मक्खी का लालच। एक बार एक व्यापारी अपने ग्राहक को शहद बेच रहा था, तभी अचानक व्यापारी के हाथ से फिसलकर शहद का बर्तन गिर गया। बहुत सा शहद भूमि पर बिखर गया। जितना शहद ऊपर ऊपर से उठाया जा सकता था उतना व्यापारी ने उठा लिया, परंतु कुछ शहद फिर भी जमीन पर गिरा रह गया। कुछ ही देर बाद में बहुत सी मक्खियां उस जमीन पर गिरे हुए शहद पर आकर बैठ गई। मीठा शहद उन्हें बड़ा अच्छा लगा, वे जल्दी जल्दी उसे चाटने लगी। जब तक उनका पेट भर नहीं आया वह शहद चाटती रही। जब मक्खियों का पेट भर गया और उन्होंने उड़ना चाहा तो वह उड़ ना सकी, क्योंकि उन्हें पंख शहद में चिपक गए थे। उड़ने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, परंतु वह फिर भी उड़ नहीं पाई। वह जितना छटपटाती उनके पंख उतने ही चिपकते जाते, उनके सारे शरीर में शहद लगता जाता। काफ़ी मक्खियाँ सब शहद में लोटपोट होकर मर गई। बहुत सी मक्खियाँ पंख में चिपकने से छटपटा रही थी, परंतु तभी नई मक्खियाँ शहद के लालच में वहाँ आती रहीं। मरी और छटपटाती मक्खियों को देखकर भी वह शहद खाने का लालच नहीं छोड़ती थी। मक्खियों की दुर्गति और मूर्खता देखकर व्यापारी बोला, जो लोग जीभ के स्वाद के लालच में पड़ जाते हैं वह इन मक्खियों के समान मूर्ख हो जाते हैं। स्वाद की थोड़ी देर के सुख उठाने के लिए लालच में वह अपना स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं, रोगी बनकर तड़पते हैं और जल्दी ही मर जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।